पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में बजरंग दल के कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां उन्होंने अंबेडकर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक जुलूस की शक्ल में एक धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्राम रोशनपुर में प्राचीन चामुंडा मंदिर के जीर्णोद्धार चामुंडा मंदिर के चारों ओर मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है, जिससे वहां पर पूजा करने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिदिन कोई न कोई विवाद चलता रहता है। बरसात के समय में जब मंदिर में पूजा करने लोग जाते हैं तो बारिश के कारण वहां पर पूजा करना दुश्वार हो जाता है। दूसरे समाज द्वारा निरंतर इस प्रकार की घटनाएं गांव के अंदर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करती रहती हैं, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि चामुंडा की चारों ओर पक्की दीवार करी जाए और ऊपर लेंटर डालने की अनुमति दी जाए और चामुंडा की चार दीवारी के साथ चामुंडा का मुख्य दरवाजा लगाने की भी अनुमति दी जाए। इस मौके पर अमित अग्रवाल, गौरव सैनी, कैलाश प्रजापति आदि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के माध्यम से और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। हमारा कहना है कि थाना डिलारी के अंतर्गत रोशनपुर गांव आता है, उस रोशनपुर गांव के अंदर 200 साल पुरानी चामुंडा बारिश के कारण उनकी दीवार गिर गई। आज हिंदू समाज अपनी चामुंडा का जीर्णोद्धार नहीं कर सकता, तो हमारी मांग है कि उसका जीर्णोद्धार हो, उसके ऊपर लिंटर पड़े।